सुधरने में दशा का, रात्रि में निशा का और छोड़ने में हिंसा का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। खिड़की पर जाल का, भोजन में दाल का और नहीं प्रेम करने में बाल का। बालों से ज़्यादा प्रेम मत कर, नहीं तो बालों में जुए बन जाओगे मर के। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? खंडवा। गर्मी में ठंडी हवा का, भोजन में बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का। सेठ सुदर्शन के पटना का, नहीं घटने में घटना का और आने वालों में सतना का। गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। इकलेरा। होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, सुख में घनेरा का और आने वालों में इकलेरा का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में असनावर का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोली खजराड़ श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रैक्टिस सेरेमनी सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ी सी और पीछे वाले वॉल्यूम बढ़ाएं। बोले विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। अब प्रजा शांति से जिया करे इसके लिए क्या क्या जरूरी है? रोग मरी दुर्भिक्ष ना हो। अब प्रजा शांति से जिया करे इसके लिए क्या जरूरी है? कि प्रजा भी नीतिवान हो, प्रजा भी नीतिवान हो। भ्रष्टाचार कौन फैलाता है? ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है? अरे बोलिए ना, नीचे से ऊपर जाता है। घर से बाहर जाता है या बाहर से घर में आता है? घर से कैसे गया? भ्रष्टाचार की शिक्षा घर में मिलती है कि बाहर मिलती है? कितनी जल्दी दूसरों को दोषी बना दिया। राजनीति की, भ्रष्टाचार की शिक्षा पहले घर में मिलती है। परिवार वाले कैसे सिखाते हैं? जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है और तुम्हें बच्चा चाहिए और नहीं आ रहा आपके पास, क्या करोगे? मोबाइल दिखाओगे, ले मोबाइल ले ले आजा, है ना? उसे कुछ ना कुछ दिखाओगे कि वो तुम्हारे पास आ जाए। टॉफी दूंगा, चल मेरे साथ चल। बिस्किट दूंगा, चल मेरे साथ चल। करते कि नहीं करते? अच्छा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये काम कर ले, तेरे को ये 10 रुपये दूंगी, अच्छे नंबर से पास होएगा तो तेरे को ये दूंगी। बच्चा है, अज्ञानता है, लेकिन संस्कार पड़ गए। क्या आ गए? संस्कार पड़ गए। अब वही बच्चा यदि कलेक्टर बन जाए या नेता बन जाए तो कैसे काम करेगा? घूस लाओ पहले, पहले घूस लाओ, घूस लाओ तो काम करूँगा, और नहीं लाओगे तो नहीं करूँगा। संस्कार कहाँ से मिले? घर से। शिक्षा कहाँ से मिली? घर से। भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ? टीटी आया, ट्रेन की टिकट नहीं ली, टीटी आया, ले भाई 100 रुपये ज़्यादा ले ले, टिकट दे दे। कहाँ से शुरू हुआ? घर से शुरू हुआ। शिक्षा वही है, या दे के काम करते हैं या ले के काम करते हैं, दोनों बातें हैं। कहीं दिया जाता है और कहीं
लिया जाता, संस्कार में बात बचपन से आ गई। प्रजा शांति से जिया करे, सारी जगह हल्ला है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है? प्रजा फैला रही है, प्रजा में नेता भी आते हैं, बात दोनों तरफ से चलती है, एक तरफ से नहीं चलती है। शांति से जिया करे, प्रजा शांति से जिया करे। अब प्रजा शांति से जिएगी तो देश अच्छा चलेगा। एक जगह कहा था, न्याय प्रजा का किया करे राजा, राजा कैसा हो, न्याय प्रजा का किया करे। यहाँ दोनों तरफा बात है, राजा को भी उत्कृष्ट होना जरूरी है, और जिस देश का राजा उत्कृष्ट है उस देश की प्रजा का भी उत्कृष्ट होना जरूरी है। राजा उत्कृष्ट हो गया और प्रजा सही नहीं है तो भी राज्य ठीक चलने वाला नहीं है, और यदि प्रजा सही है और राजा ठीक नहीं है तो भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए राजा और प्रजा दोनों का ठीक होना जरूरी है। प्रजा को भी शांति से जीना चाहिए, यदि प्रजा अशांति से जिएगी तो देश में अशांति अपने आप आएगी, और जब देश में अशांति आएगी फिर कहोगे राजा गड़बड़ कर रहा है। बात दोष तो दोगे राजा को और अशांति कर रहे हो तुम, दोष दे रहे हो राजा को। राजा यदि अच्छा हो फिर भी यदि दिक्कत हो रही है तो प्रजा की अशांति है। प्रजा शांति है लेकिन राजा सही नहीं है तो फिर राजा की गलती है। तो प्रजा शांति से जिया करे। प्रजा शांति से जीने में इसमें एक बात बताई है कि जो दूसरी लाइन है, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। यदि इस लाइन को इस लाइन से जोड़ो कि प्रजा शांति से कब जिएगी, जब अहिंसा धर्म होगा। प्रजा शांति से कब जिएगी, जब अहिंसा धर्म होगा। अहिंसा धर्म क्या सिखाता है, किसी की हिंसा मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, आपस में प्यार से रहो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को मारो पीटो ना, यही तो है ना। क्या है अहिंसा धर्म का पहली शुरुआत तो यहीं से है ना, कि मन में शांति रखो, और जब मन में शांति रखो तो प्रजा शांति से जिया करे। अहिंसा धर्म के साथ ही, और यहाँ अहिंसा नहीं परम अहिंसा, देखो परम शब्द लगा दिया, जैसे मुनि श्री, परम पूज्य मुनि श्री विशेषता आ गई है ना, परम लगाने से उत्कृष्टता आ जाती है। यहाँ अहिंसा शब्द के साथ में परम शब्द को जोड़ा है कि परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। सर्वहित यानी जब तक पूरा हित, और सर्वहित यानी सबका हित, दो अर्थ निकालो यहाँ से, सर्वहित यानी हर तरह से हित, और सर्वहित यानी सबका हित। कब होगा, जब धर्म होगा, कौन सा धर्म होगा, जब अहिंसा धर्म होगा। अहिंसा धर्म को जानते हो आप, अरे बोलिए ना, अहिंसा धर्म को जानते हो, क्या जानते हैं आप अहिंसा धर्म के विषय में, एक लाइन में मुझे बताइए आप, कौन बता सकता है अहिंसा का मतलब क्या होता है। जैनी हो, जैनी हो ना, अच्छा तो अहिंसा का मतलब बताओ ना फिर, हैं, दया भाव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और किसी भी जीव को नहीं सताना। देखो आपने ये कहा सताना शब्द आया, यानी सताना भी हिंसा है, और नहीं सताना अहिंसा है। और परिभाषा, बस दो ही जनों को पता है, बाकी लोग जीव हो ना आप, अरे बोलिए ना, जीव हो ना, जैनी भी हो, अहिंसा को नहीं जानते हो, ओहो मामला बड़ा गड़बड़ है। इसलिए तो प्रजा अशांति से जिया करे, जब जैनी को अहिंसा नहीं पता है तो और किसी को क्या समझाया जाए, जब जैनी को अहिंसा नहीं पता है तो और किसी को क्या समझाया जाए, और जब तक अहिंसा नहीं है तब तक शांति नहीं है। भगवान महावीर ने अहिंसा धर्म के, हिंसा के पहले दो भेद किए हैं, द्रव्य हिंसा
भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसी जीव को मारना, सताना, पीड़ा देना, कष्ट देना, अपमान के वचन बोलना, व्यंग्य के बाण चलाना, ये द्रव्य हिंसा है। ये क्या है? द्रव्य हिंसा है। इसमें भाव हिंसा भी है। जब तक भाव हिंसा के भाव नहीं होंगे तब तक द्रव्य हिंसा नहीं कर सकते। गुस्सा आया, क्रोध आया, चांटा मार दिया। जब मन में ग्लानी हुई तो उसका भी, उसको भी प्रकट कर दिया वचनों से, सामने वाले को छोटा बना दिया, अपने आप को बड़ा बना दिया। ईर्ष्या हुई, उसमें भी व्यंग्य के बाण चलाए, सामने वाले को ऐसे व्यंग्य का बाण चलाया, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, और मजाक में ऐसा बाण चला दिया कि उसके दिल में जाके चुभ गया। अब वो बैठा परेशान होता रहेगा, किसको पाप लगा? जिसने चलाया उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बाण जहाँ से चला है, उस जो परेशानी में पड़ा हुआ है, वो उसको तो कर्मबंध हो ही रहा है, लेकिन जिसने चलाया है उसको भी होगा। तीर वापस आएगा कि नहीं आएगा? जो तीर तुमने छोड़ा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म तो अगले जन्म में, वो तीर वापस लौट के आएगा। बचपन में किया है जवानी में मिल जाएगा, जवानी में किया है बुढ़ापे में मिल जाएगा, बुढ़ापे में किया है अगले जन्म में मिल जाएगा, अभी किया है अभी मिल जाएगा। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, दो तरह की हिंसा बताई है। तो द्रव्य हिंसा में बाहर से दिखता है कि सामने वाले को सताया जा रहा है, पीड़ा दी जा रही है, उसे मारा जा रहा है, उसकी हत्या करी जा रही है, वो साक्षात द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा, क्रोध किया, कौन सी हिंसा हो गई? अरे बोलिए ना, भाव हिंसा। अभिमान किया, ओहो क्या कमी है हमारे पास, तुम्हें यूं चुटकियों में मसल देंगे, ज़्यादा मत समझना अपने आप को, बहुत है हमारे पास में। कौन बोल रहा है? तुम्हारी आत्मा बोल रही है कि आत्मा से अभिमान बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है। ए मेरे से भिड़ना मत, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं हमारे, बड़े बड़े नेता हमारे साथ रहते हैं, हम बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते, भिड़ना मत, एक मिनट में अंदर भिजवा दूंगा। कौन बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है। हिंसा हुई कि नहीं हुई? भाव हिंसा हो गई। कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा हो गई। मायाचारी करी, कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा हो गई। लोभ किया, कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा हो गई। भाव हिंसा का क्या मतलब होता है? एक बहुत एक व्यवहार से परिभाषा है कि चार कषाएँ आदि, है ना, ये परिभाषा हो गई। लेकिन जब बिल्कुल सूक्ष्मता में जाएंगे, जब बिल्कुल निश्चय में जाएंगे, तो इसका मतलब ये है भाव हिंसा, भाव अहिंसा का, कि आत्मा का अपने ध्यान को छोड़ कर के यदि दृष्टि, मन एक क्षण के लिए भी बाहर चला गया तो ये भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? यानी जहाँ से कर्म आ रहा है, कहाँ से आता है कर्म? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष और मोह, इतनी जगह से कर्म आते हैं। इससे ज़्यादा जगह नहीं, गिनती की है, ऐसे ज़्यादा नहीं है, गिनती की है, मगर इतना ही छोड़ दो तो बहुत है। इनको ही छोड़ने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। तो जो कर्म आ रहे हैं वो कर्म ही भावों में हिंसा करा रहे हैं, इसीलिए राग द्वेष करना भी हिंसा है। शटिकाय जीव न हननते सब विधि धर्व हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। जब बाहर की हिंसा तजी तो द्रव्य अहिंसा हो गई, और अंदर के राग और द्वेष के परिणाम छोड़े तो अंदर की अहिंसा हो गई। अहिंसा का क्या मतलब बताया? दो तरह की, राग और द्वेष। राग यानी प्रेम, द्वेष यानी
राग यानी चिपकना, द्वेष यानी दूर, दोनों को छोड़ दिया, ना किसी से दूर होते हैं और ना किसी के पास जाते हैं। समता कहाँ रहते हैं? समता में रहते हैं। तो इसका नाम है भाव अहिंसा। क्या नाम है इसका? भाव अहिंसा। हिंसा की और भी परिभाषाएं करी हैं, और भी भेद बताए हैं, चार भेद और बताए हैं, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी हिंसा घर में, जैसे श्रावक है, त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा करता है, जितनी ज़रूरत हो उतनी करता है। स्थावर का मतलब एक इंद्री, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और त्रस यानी दो इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। तो श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा की छूट है, मगर उसमें भी उतनी ही करता है जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। तो आरंभी हिंसा, आप रोटी बनाते हो, अग्नि चलाना पड़ता है, आप पानी छानते हो तो पानी को यूज़ करना पड़ता है, बिल छानी जहाँ की तहाँ पहुँचा दो, क्यों? क्योंकि उसमें दो से पाँच इंद्री जीव हैं, ठीक है। अब आप घर में, फिर चूल्हा जलाते थे पहले तो फूंकते भी थे, अब तो पंखा चल गया है, दुनिया भर के मशीनें चल गई हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो द्रव्य स्थावर हिंसा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, खेती भी करना पड़ता है, फसल भी काटनी पड़ती है, पेड़ भी उगाने पड़ते हैं, फल भी तोड़ने पड़ते हैं, है ना। इसको कहते हैं आरंभी हिंसा। कौन सी हिंसा कहते हैं इसको? घर में होने वाली हिंसा को आरंभी हिंसा कहते हैं, और श्रावक इसका त्यागी नहीं होता है, वो ये हिंसा घर में रहने वाले को करनी ही पड़ती है। दूसरी है उद्योगी हिंसा, ये है व्यापार संबंधी हिंसा। अब दुकान में बैठेगा तो झूठ भी बोलेगा, बिना झूठ के तुम्हारा व्यापार चलने वाला नहीं है। लेकिन झूठ भी कैसा, कि किसी का बुरा ना हो और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए, किसी को लूटना उद्देश्य ना हो, किसी को साथ अन्याय करना उद्देश्य ना हो, मात्र व्यापार की दृष्टि से सूक्ष्म में जो झूठ बोला जाता है बस वो। और जब आते हो जाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो हिंसा तो होती है ना। वैसे वैसे प्रायः पहले के समय में देखा जाता था कि जैनी दो व्यापार करते थे, एक कपड़े का और एक रत्नों का या सोने चांदी का। तो यही व्यापार क्यों करते थे? ये व्यापार इसलिए करते थे कि इसमें उतनी ज़्यादा हिंसा नहीं है। भाई कपास तोड़ा, कपड़ा बना लिया, तो जुलाहा के यहाँ से कपड़ा लाए और बेच दिया, इसमें उतनी हिंसा नहीं थी। लेकिन वर्तमान में लोग वो सैलून, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर, जो नाऊ का काम था वो भी करने लगे, हैं हाँ, चप्पल जूते की दुकान भी खोल ली है। हालांकि जिनको ज्ञान हो जाता है कि हमें चप्पल जूते नहीं बेचने चाहिए, बहुत से लोग हैं जो बंद भी कर देते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भी करते हैं, हैं। कुछ लोग ऐसे व्यापार करने लगे जिसमें बहुत हिंसा होती है, चूहे मार दवाई बेचते हैं, खटमल की दवाई बेचते हैं, चींटियों को मारने की दवाई बेचते हैं। अब मान लो तुम्हारी दुकान है, तुम दुकान में रखोगे ना, किसके लिए रखी है? मारने के लिए रखी है, साक्षात हिंसा है। यदि साक्षात हिंसा कर रहे हो तो फिर आप बताओ क्या होगा। तो उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा कितनी? एक इंद्री तक की, दो इंद्री से पंचेंद्री की नहीं। चींटी कितनी इंद्री है? तीन इंद्री है। चूहा कितनी इंद्री है? पाँच इंद्री है। खटमल कितनी इंद्री है? तीन इंद्री है, है ना। तो दो से पांच इंद्री का त्यागी है, उनकी हिंसा नहीं कर सकते आप, ये दवाई नहीं रख सकते अपनी दुकान में, क्योंकि आप श्रावक हैं। उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, यदि आपके बच्चे को कोई मार रहा है तो आप उसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे।
यदि आप पर कोई प्रहार कर रहा है तो आप अपने आप को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो पलट के वार करोगे कि नहीं करोगे? विरोधी हिंसा राजा है। यदि कोई देश पर आक्रमण करेगा तो राजा उसका जवाब देगा कि नहीं देगा? मान लो जैन राजा है और यदि कोई उसके देश पर आक्रमण करे, उसके राज्य की प्रजा को सताए, तो वो उसको हिंसा करेगा कि नहीं करेगा? विरोधी हिंसा, पलट करके अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी समाज और देश की रक्षा के लिए जो पलट करके वार किया जाता है और उसमें जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा बोलते हैं। तो श्रावक जो है विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है, वो अपनी भी रक्षा करता है, परिवार की करता है, समाज की करता है, देश की करता है। तो इसलिए श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। उसने अपने आप नहीं किया है, उसके ऊपर वार किया है तो उसने ऐसा किया है, अपनी रक्षा के लिए किया है। और चौथी हिंसा है संकल्पी हिंसा। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये संकल्पी हिंसा है। किस लिए? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग हजारों की जान ले लेते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। लेते कि नहीं लेते? अखबार पढ़ते हो, अखबार में क्या आता है? अखबार में यही आता है, हैं? उसने उसको मार दिया, उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसको ये नहीं दिया तो उसने ऐसे मार दिया, उसने उसके सुख में बाधा डाली तो उसने मार दिया। आता ना अखबार में कि इच्छा पूर्ति ना होने पर उसने उसकी हत्या कर दी, ये संकल्पी हिंसा है। मैं तुझे मार डालूंगा, संकल्पी हिंसा है, और इसका श्रावक त्यागी होता है। संकल्पी हिंसा श्रावक नहीं करता है। संकल्पी हिंसा और साधु जो होता वो चारों तरह की हिंसा का त्यागी होता है। हमारे जो जैन साधु हैं ना तो रोटी बनाते हैं, जो आप देते हो वो ले लेते हैं, हैं, और ना वो व्यापार करते हैं, हैं, और कोई उन पर वार करे तो पलट के वार भी नहीं करते हैं। और संकल्पी हिंसा का तो त्याग है कि मैं तुझे मार डालूंगा, उसका भी त्याग है। तो साधु चारों प्रकार की हिंसा का त्यागी होता है और श्रावक तीन तरह की हिंसा का घर में रह के उसे छूट है, और एक तरह जो संकल्पी हिंसा है उसका त्यागी है। ये चार तरह की है ना। अब ये श्रावक जो है घर में रह कर के क्या तीन तरह की हिंसा से बच सकता है? कह दिया ना, तरह से हिंसा का त्याग व्रथा थावर न संगारे, यानी तरह हिंसा का त्याग तो करवा दिया और स्थावर हिंसा की छूट भी दे दी, मगर साथ में कह दिया व्यर्थ में मत करना, चाहे विरोधी हिंसा हो, नहीं तो माता जी ने तो छूट दे दी है। हैं, लोग कहते हैं अरे जैनी तो बड़े कायर होते हैं, एक चींटी को भी नहीं मारते, वो एक चींटी को नहीं मारते हैं, और जरूरत पड़ जाए देश की रक्षा में तो दुश्मन को मारने से पीछे भी नहीं रहते हैं। जैनी अहिंसक हैं मगर कायर नहीं है। अहिंसक का क्या मतलब होता? ग्रस्त में रहकर ग्रस्त के हिसाब से अहिंसा, और साधु बने हैं तो साधु के हिसाब की अहिंसा। साधु को पूर्ण अहिंसा का पालन करना है, लेकिन श्रावक अभी घर में रहता है तो उसे धर्म की भी रक्षा करनी है। हालांकि वात्सल्य अंग में हमारे विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं और विष्णु कुमार मुनि ने 500 मुनियों की रक्षा भी करी है, लेकिन कब करी? पहले उन्होंने कपड़े पहने, फिर वो वहाँ गए और फिर उन्होंने रक्षा करी, फिर दोबारा दीक्षा ली। तो जिस समय जैसी परिस्थिति आती है उस समय वैसे निर्णय लिए जाते हैं। अब यदि कोई दूसरा वहाँ हो और कोई जिसका नेगेटिव आइकॉन हो और वो हमेशा नेगेटिव चीज़ जो देखता हो तो वो क्या कहेगा? अच्छा देखो महाराज हो के दीक्षा छोड़ दी, दीक्षा का ख्याल ही नहीं है, दीक्षा छोड़नी थी तो ली क्यों इनने? ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला होगा तो ओहो कितनी बड़ी बात है, इनका प्रेम तो देखो, इनका वात्सल्य तो देखो, मुनियों के प्रति धर्मात्मा का धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि उनको बचाने के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी।
हमारे पास दो दृष्टिकोण हैं, हम कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये उस बात पर निर्भर करता है। सामने कोई भी चीज़ हो उसको दो दृष्टि से ही देख सकते हैं और कई दृष्टि से भी देख सकते हैं। मैंने एक बार बताया था कि एक बार पिकनिक मनाने के लिए कुछ लोग गए, और जब वहाँ पर गए तो उसमें से जब वहाँ से लौट रहे थे तो सारा भोजन होने के बाद में से दो नींबू बच गए। अब आपस में एक दूसरे के दिमाग की परीक्षा करने के लिए पूछा, भाई ये दो नींबू बच गए क्या करें? एक ने कहा, अरे फेंको यहीं, क्या घर में वापस ले जाना है। दूसरा बोला, अरे वो सामने वो चपरासी खड़ा है, उसको दे दो, उसके काम आ जाएंगे। तीसरा बोला, घर वापस ले चलो, घर में भी तो ज़रूरत पड़ेगी। चौथा बोला, अरे काय को फालतू के नींबू के चक्कर में फंस रहे हो, जो करना सो करो, चलो घर। बात एक है और विचार सबके अलग अलग हैं, है ना। तो इसी तरह से धर्म एक है, वो कितने विचारों से किया जाता है वो बात अलग है। तो अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म, सबसे पहले द्रव्य हिंसा छोड़ो। द्रव्य हिंसा छोड़ने के लिए भावों की शुद्धि जरूरी है। अब द्रव्य हिंसा छोड़ने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है संसार में भोगों की इच्छा पूर्ति। जितनी जितनी इच्छाएं छूटती जाएंगी उतना उतना अहिंसा धर्म आता जाएगा, और जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी उतनी हिंसा बढ़ती जाएगी। क्योंकि भोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए आज लाखों तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हैं, लाखों तरह के हैं। आप एक ही चीज़ ले लो, आपके बाल ले लो, आप बाल धोते हो, साधु बाल का क्या करते हैं? साधु बालों का क्या करते हैं? केश लॉन्च कर देते हैं, निकाल देते हैं। तुम बालों का क्या करते हो? दिन भर सजाते हो, दिन भर ध्यान रहता है बालों के ऊपर। इन बालों को मुलायम बनाने के लिए क्या करते हो? बढ़िया सा शैम्पू लाते हो, कंडीशनर। जैसी कंडीशन में आपको बाल चाहिए वैसा कंडीशनर ले आते हो। अब आपको नरम चाहिए तो वो वाला ले आते। अब उस शैम्पू को बनाने में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है? उसमें अंडा भी हो सकता है, अंडा वाला शैम्पू भी आता है, बिना अंडा वाला भी आता है। आप पैसे देकर खरीद रहे हो तो हिंसा करने वाला खरीदोगे या अहिंसा वाला खरीदोगे? बोलो, पैसे में मिल रहा, फ्री में नहीं मिल रहा? फ्री में मिलेगा तो आप तो अंडा वाला भी लिया करो, चलो अपनी नौकरानी को दे देंगे, हम नहीं धोएंगे तो। लालच इतना भरा पड़ा है, ये नहीं कहोगे कि नहीं अंडे वाला है हम नहीं लेंगे। तो इन बालों को धोने के लिए, मात्र धोने ही तो है, मात्र बालों को साफ ही तो करना है। ये एक शरीर का उद्देश्य है, शरीर को साफ रखना है ताकि इसमें जीव हिंसा ना हो, जुए आदि ना हो। उद्देश्य ये है, उद्देश्य के साथ इच्छा हो गई। बाल नरम होने चाहिए, बाल खुले खुले दिखने चाहिए, बाल फैले फैले उड़ते हुए होने चाहिए। अब ये इच्छा हो गई, इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकता है कि बालों को केवल धोया जाए। अब वो मिट्टी से भी धुल सकते हैं, यदि मिट्टी से धोए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले के समय में साबुन नहीं होते थे, पहले के समय में शैम्पू नहीं होते थे, तो क्या पहले के लोग गंदे रहते थे क्या? क्या पहले के लोग शरीर की सफाई नहीं करते थे क्या? करते थे। और वो कैसे करते थे? मिट्टी ही मिट्टी का इलाज करती है, बाल भी क्या है, मिट्टी का दूसरा रूप ही तो है। अरे बोलिए ना, है कि नहीं? हाँ और ना में जवाब दो। बाल भी मिट्टी का दूसरा रूप है, तो मिट्टी से मिट्टी को धोते थे, बालों में मिट्टी लगाई, थोड़े दिन उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बाल मुलायम भी हो जाते थे, साफ भी हो जाते थे, पसीना का जो रहता था वो भी निकल जाता था, और किसी जीव की हिंसा भी नहीं होती थी। आज भी बहुत से लोग मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ नहीं करते हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन करने का उद्देश्य अलग है। वो साबुन यूज इसलिए नहीं करते कि उन्हें नुकसान करती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि तुम मुल्तानी मिट्टी यूज़ करो। इसीलिए तुम यदि अहिंसा की दृष्टि से करो कि साबुन लगाने से हिंसा होती है, और साबुन भी कई तरह की आती हैं जिसमें
चर्बी डाली जाती है। ये बिल्कुल गारंटी वाली बात बता रही हूँ, वैसे ही नहीं, गारंटी वाली बात कि साबुन में चर्बी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो चिकनी, चर्बी कैसी होती है, चिकनी होती है। साबुन आपको कैसी चाहिए, चिकनी चाहिए। और जो गाय मरती हैं, भैंस मरती हैं, तो उनमें से हड्डियां कहीं चली जाती हैं, चर्बी कहीं चली जाती है, खून कहीं चला जाता है, उनके नाखून कहीं चले जाते हैं, उनके बाल कहीं चले जाते हैं। तो जो चर्बी है वो साबुन बनाने में यूज़ करी जाती है। हाँ, कुछ साबुन अभी भी शाकाहारी हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी शाकाहारी है और कौन सी मांसाहारी है। और जो आप लोग हैं, आप मांसाहार का त्याग करते हैं, आपने मांसाहार तो नहीं किया ना कभी? अरे बोलिए ना, नहीं किया ना? नहीं। एक है कि मुंह से खाना और एक है कि ऊपर से लेना। यदि आप अंडे वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, यदि आप चर्बी वाली साबुन यूज़ करते हैं, तो मांसाहार चल रहा है। अच्छा ये बताओ, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी ना भी पियो तो भी पानी अंदर जा रहा कि नहीं जा रहा? अरे बोलिए ना, जा रहा है ना। कहाँ से जा रहा है? शरीर के रोम रोम से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? शरीर के रोम रोम से जा रहा। जब आप साबुन लगाओगे तो रोम से वो चर्बी तुम्हारे अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो क्या तुम शाकाहारी हुए? आप सर्च करो, मोबाइल में सब कुछ मिलेगा आपको, शाकाहारी साबुन भी मिलेगी, शाकाहारी शैम्पू भी मिलेगा, शाकाहारी भोजन भी मिलेगा। आज बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग, आज सब चीज़ के प्रति सावधान हैं। तो आप क्यों नहीं सावधान हैं? जहां अहिंसा धर्म बताया है, वहां अपने बालों के लिए हम अंडे का प्रयोग करें, वहां अपने शरीर को चिकना बनाने के लिए हम चर्बी का प्रयोग करें? नहीं। कितने भी भोगों की सामग्री निकल जाए, अपनी इच्छाओं को संयम में रखना, नहीं तो ये इच्छाएं इंसान को नरक में भेज देंगे। हैं? तो अहिंसा धर्म की आज थोड़ी सी चर्चा हुई, और बाकी चर्चा कल कर लूँगी, ठीक है? आप घर में सुन लेना, सुनते हो नहीं सुनते घर में? सुनते हो, फिर ठीक है, फिर आप घर में सुन लेना, है ना? बोलिए 24 भगवान की।